आगे बढ़ते मैं लौटूंगी आशीष जी आपके पास। मध्य प्रदेश में जहां आज से स्कूल खुल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें किसान महासम्मेलन भी आज होने जा रहा है। रायसेन में किसान महासम्मेलन का आयोजन आज किया जाएगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा संबोधित करेंगे, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों को संबोधित करेंगे। और इसके साथ सौगात भी किसानों को मिलने जा रही है। खरीफ फसल हानि की राहत राशि का वितरण किया जाएगा। 1600 करोड़ रुपए की राहत की पहली किस्त जारी की जाएगी, जिसका लाभ करीब 35,50,000 किसानों को होगा। तो मध्य प्रदेश के बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। दोपहर 1 बजे महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे और सम्मेलन के जरिए किसानों को कानून जो लाया गया है, किसान बिल जो लाया गया है, उसके फायदे गिनाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आशीष जी करुक करते हैं। आशीष जी, किसान सम्मेलन के बाद अब किसान महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसमें खरीफ फसल हानि की राहत राशि का वितरण तो किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है और वो खुद मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे, किसान कानून के फायदे गिनाएंगे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार आज किसान महासम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। रायसेन में ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इस सभा को संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कृषि कानून के संबंध में किसानों को जानकारी देंगे और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2020 में खरीफ फसल हानि की राहत राशि का सिंगल क्लिक करके उस राशि को जारी करेंगे। 1600 करोड़ की ये राशि है, जिसमें मध्य प्रदेश के 35,50,000 किसानों को इसका फायदा मिलेगा। रायसेन में दोपहर 1 बजे ये आयोजन होगा। इसके अलावा प्रदेश भर की तमाम पंचायतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वे अपने गृह जिले में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जया, आशीष जी, पूरे मध्य प्रदेश में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो गुजरात के किसानों से भी उन्होंने हाल ही में बात की थी, कच्छ वो पहुंचे थे। आज मध्य प्रदेश के किसानों से बात करेंगे। सारे भ्रम दूर करने की कोशिश पीएम के जरिए की जा रही है। इसके पहले भी जब कोई कार्यक्रम संबोधित किया था, उस समय भी उन्होंने तमाम देश के किसानों को संबोधित किया था और कृषि कानून के फायदे उन्होंने गिनाए थे। आपको लगता है कि उनकी अपील मध्य प्रदेश के किसानों तक पहुंचेगी? हालांकि उग्र स्वर यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अपील की जा रही है सरकार के द्वारा। बिल्कुल, एक दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 पन्नों का पत्र किसानों के नाम लिखा, जो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर उस पत्र को ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि कहा कि उस पत्र को जरूर पढ़े, किसानों के नाम पर केंद्रीय कृषि मंत्री का संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर आज जब वर्चुअल माध्यम से संबोधन करेंगे तो किसानों को इस केंद्रीय कृषि कानून की जानकारी देंगे कि किस तरह से ये कानून किसानों के हित में। यह बात सही है कि मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का कोई खास असर नहीं है, लेकिन श्योपुर, सतना, कटनी के आसपास के किसानों में इस आंदोलन का असर देखा जा रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो इसमें केंद्रीय कृषि कानूनों की जानकारी देंगे। पिछले 2 दिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किसान सम्मेलन संभागवार आयोजित करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने केंद्रीय कृषि कानूनों की जानकारी दी और उसके बाद अब किसानों के लिए सिंगल क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि देकर यह साफ जाहिर करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। तो इसका फायदा निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के किसानों को तो मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ये कोशिश है कि हर देश के किसानों से अलग अलग राज्य में संवाद किया जाए और किसान आंदोलन में जो किसान पहुंच रहे हैं दिल्ली, उनको ये बताया जाए कि किस तरह से केंद्रीय कृषि कानून किसानों के हित में है। अच्छा आशीष जी, ये और समझना चाहेंगे, इससे पहले मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, उसके बाद महासम्मेलन का आयोजन किया गया, किसान सम्मेलन चौपाल लगाई गई, आज महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में स्वर इतने उग्र नहीं है जैसा कि हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, किसान इतने आंदोलित नहीं है, तो लगातार क्यों आखिर जरूरत पड़ रही है कि आप बार बार मध्य प्रदेश के किसानों को कृषि बिल के फायदे गिनाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आज मैदान में उतरना पड़ रहा है। देखिए, ये मध्य प्रदेश बीजेपी और खासतौर पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार यानी सत्ता और संगठन की आशंका है कि यदि मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन में शामिल हुआ तो शिवराज सिंह चौहान अपने 13 साल के कार्यकाल में और पिछले 8 महीने के कार्यकाल में किसानों के लिए जो उपलब्धि गिनाते नजर आए हैं वो यहाँ पर शून्य साबित हो सकती है। तो यही वजह है कि बीजेपी की सरकार लगातार किसानों के साथ संवाद करने की कोशिश कर रही है और उन्हें ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश के जरिए बीजेपी देश भर के किसानों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है, किसानों के लिए केंद्र सरकार की नीतियों का जो पालन मध्य प्रदेश ने किया है वही यदि दूसरे राज्य अपनाते हैं तो दूसरे राज्यों में भी किसानों को फायदा मिलेगा। जहां पर गैर बीजेपी शासन है वहां पर खासतौर पर ये बीजेपी का फोकस है, तो मध्य प्रदेश के जरिए एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, एक उदाहरण और एक संदेश देने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है और इसीलिए आज किसान महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किसानों को एक बड़ी सौगात तो इस सम्मेलन के जरिए दी जाएगी, लेकिन इसके साथ ही कृषि बिल के फायदे भी गिनाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल आशीष जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।